बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में अभी का हाल ऐसा है कि हर कुछ दिन के बाद नया रूल आ जाता है। अभी कल एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि एसटीईटी 2023 का आयोजन इसी जुलाई के महीने में, जो अभी चल रहा है जुलाई, इसी जुलाई में हो जाएगा। अब इस चीज़ को लेकर के लोगों का परेशान होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि जो सीटीईटी का एग्जामिनेशन अभी हुआ नहीं है, उस सीटीईटी के एग्जामिनेशन को अलाउ कर दिया गया। इसके बारे में आप लोग अवेयर होंगे कि अगर वो पास कर जाते हैं और एक फिक्स डेट तक अपना एकेडमिक्स पूरा कर लेते हैं तो बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में एलिजिबल होंगे वो कैंडिडेट। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि सच में ये जुलाई में अगर एसटीईटी हो जाता है, एसटीईटी 2023 जुलाई 2023 में इसी महीने में हो जाता है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो एसटीईटी 2023 वाले कैंडिडेट होंगे, जिस ग्राउंड पर सीटेट वालों को अलाउ किया गया, उसी ग्राउंड पर ये लोग भी बोलेंगे कि हमें भी एलिजिबल करो। हालांकि अप्लाई करने का लास्ट डेट अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है, लेकिन ये बात भी पक्की है कि अप्लाई करने का लास्ट डेट एक्सटेंड होने जा रहा है, क्योंकि बीच में से कुछ लोगों को मौका दिया है, तो 100% है कि नई डेट आएगी अप्लाई करने की। तो ऐसी कंडीशन में तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि नए लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा, फिर और भीड़ बढ़ जाएगी एसटीडी 2023 की वजह से। तो एक हिस्सा है कैंडिडेट्स का जो इसकी वजह से परेशान होगा। लेकिन क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, आयोजन करने से पहले नोटिफिकेशन आता है, लोग अप्लाई करते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ऑल ऑफ ए सडन एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। ये जुलाई का महीना चल रहा है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है। नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी काक महीना, कम से कम एक महीना अप्लाई करने का मौका दिया जाता है लोगों को, उसके बाद ही एग्जामिनेशन का कोई प्लान होता है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ भले एक लेटर में दिख रही है, हालांकि ये लेटर पर्टिकुलरली एसटीईटी के आयोजन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक लेटर में ये चीज़ लिखा हुआ है कि जुलाई 2023 में एसटीईटी होगा। तो अभी के लिए मेरी तरफ से आप यही मान के चलिए कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये बात माना जा सकता है कि इसी साल में 2023 के लास्ट तक एसटीईटी हो सकता है, लेकिन मौजूदा अभी जुलाई अगस्त में होने नहीं जा रहा है। इस बात के लिए आप श्योर रहें, जो भी बीपीएससी टीआरई 7th फेज के कैंडिडेट हैं वो बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बात को लेकर के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है कि उर्दू, अरबी, फारसी और सहित जितने भी और छूटे हुए विषय हैं, उर्दू का तो हुआ था 9-10 में, हुआ था 11-12 में रह गया था, तो और जितने भी छूटे हुए जिसमें लाइब्रेरियन भी एक है, तो उन तमाम का अब होगा, जो एसटीईटी 2023 होगा, जब भी हो, सितंबर में हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी होना होगा होगा, तो उनमें जो जितने भी छूटे हुए सब्जेक्ट हैं उन सबको समाहित करते हुए इस बार परीक्षा होगा। तो अभी तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कब होता है, कितने सब्जेक्ट उसमें आते हैं, अभी तो कुछ क्लैरिटी है नहीं। लेकिन ये कि जुलाई में हो जाएगा, ये वाली बात गलत है, इसको लेकर के आप लोग परेशान मत होइए।